सुसर जी का हज, मदीना मुनव्वरा हाजरी। मुझे वापस जाना है, मेरी सीट का बंदोबस्त करें, मैं वापस जाना चाहता हूँ। वह बजीद हो रहे थे। अब्बा जी, ये कैसे मुमकिन है? अभी हज में थोड़े दिन ही तो बाकी रह गए हैं, हम आपको कैसे वापस भेज सकते हैं? बेटे ने आहिस्ता आवाज में कहा। तो तुम कर लेना ना हज, मैंने कब तुम्हें हज करने से मना किया है? अब इनकी आवाज़ में तलखी नुमाया थी। अब्बा जी, अगर आप वापिस चले गए हज किए बगैर, तो लोग क्या कहेंगे? रिश्तेदार बातें बनाएंगे कि ससुर की खिदमत ही ना कर सके। पता नहीं क्या कुछ हुआ वहाँ, कैसे ससुर को दुखी करके रख दिया था। जो बेचारा बूढ़ा शख्स हज किए बिना ही वापिस आ गया। कमरे में बहू की दबी दबी आवाज़ उभरी। बहू, बेटा और ससुर, ये तीन लोग थे जो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। इनका कमरा हमारे कमरे से बिल्कुल मुलहिक था। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और इनकी आवाज़ें हमें साफ सुनाई दे रही थी। इसके बाद कमरे में खामोशी छा गई, बत्ती गुल हो गई। बहू ने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो यकीनन सोने की तैयारी में थे। ये हज का ज़माना था, हम लोग मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे। अभी हरमे नबवी के इर्द गिर्द बुलंदोबाला इमारतें मार्ज़े वजूद में नहीं आई थी, बल्कि छोटे छोटे पुरानी तर्ज की इमारतों में हाजियों को ठहराया जाता, जिनमें दो या तीन कमरों के साथ एक बाथरूम जुड़ा हुआ होता और एक किचन भी। हाजी लोग अमूमन इस मुश्तरका किचन में जिसमें फ्रिज, चूल्हा और चंद ज़रूरी बर्तनों की सहूलत मौजूद होती थी, वहाँ अपने लिए चाय, नाश्ता वगैरह खुद बना लिया करते थे। यूँ एक अपार्टमेंट के लोग वहाँ मेल जोल और बातचीत करते और दोस्तियाँ भी हो जाती और कभी कभी छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी चलती रहती। 40 दिनों के हज में 8 दिन मदीना मुनव्वरा के लिए मखसूस होते। सब हुज्जाजे कराम पहले मक्का मुकर्रमा आते। हज की उम्रा की अदायगी के बाद रोज़ाना हज्जाजे कराम की रहायशी इमारतों में मदीना मुनव्वरा जाने वाले काफलों की लिस्टें लगा करती थी। और यूँ बिल्डिंग में दाखिल होने के बाद हुज्जाजे कराम की निगाहें लिस्टों में अपना अपना नाम तलाश करती। जिसका नाम आ जाता, वो खुशी से कभी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता, कभी लबों पर नातिया अशार आंसों की नमी समेटे धीमी धीमी महक से फ़जाओं को नत्तर करते। मदीना मुनव्वरा में हुज्जाजे कराम को 8 दिन ठहराया जाता। वो हदीस के मुताबिक अपनी 40 नमाजें वहाँ पूरी करते और वापस मक्का मुकर्रमा आ जाते। हम मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे। हमारे ग्रुप में एक मियाँ बीवी और इनके बूढ़े वालद साहब भी थे। वालद साहब एक खूबसूरत दराज कद गोरी रंगत वाले पंजाबी बूढ़े थे, जो यकीनन 70 की दहाई अबूर कर लेने के बावजूद इंतहाई चाको चबन और खुश मिजाज शख्सियत के मालिक थे। मक्का मुकर्रमा में भी हम इकट्ठे एक ही बिल्डिंग में थे। इनके बहू बेटा 4-5 साल शादीशुदा रफाकत के बाद अपने वालिद के साथ हज की अदायगी के लिए आए हुए थे। बहू से मेरी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। बेटा ज़्यादातर अपने वालिद की खिदमत में मसरूफ़ रहता और बहू अपना ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारती। ससुर साहब जब तक मक्का मुकर्रमा में थे इंतहाई खुश दिखाई देते थे, लेकिन जब से वो मदीना मुनव्वरा आए थे इनके अतवार यकसर बदले हुए थे। हरम भी बहुत कम जाते, बहू बेटा भी इनके लिए फिक्रमंद दिखाई देते। या शायद दूसरा या तीसरा रोज था मदीना आए हुए और अब वो बाबा जी वापिस पाकिस्तान जाना चाह रहे थे हज किए बिना। ये बहुत अजीब बात थी। मैं नोट कर रही थी कि अब वो हरम भी नहीं जा रहे। मैंने इनकी बहू से मुलाकात हुई तो पूछा, क्या बात है, आपके ससुर नज़र नहीं आते आजकल? बोली, बीमार हैं। वो शायद जल्दी में थी या ज़्यादा बात करने के मूड में नहीं। ये कहकर वो चली गई। अगले रोज़ मैं किचन में नाश्ता बना रही थी कि इनके कमरे से आवाज़ आई। मुझे अपनी जानिब उन आवाज़ों ने मुतवज्जे कर लिया। बेटा, मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे भी मुमकिन हो मेरी टिकट करवाओ, मुझे वापस भेजो पाकिस्तान। कोई सिफारिश लगाओ या पैसे,
मुझे नहीं मालूम, जो भी मुमकिन है करो, लेकिन मेरी वापसी की सीट आज बुक हो जानी चाहिए, सुसर हतवी अंदाज में जिद कर रहे थे। कि कैसे मुमकिन है हम आपको हज के लिए लेकर आए हैं और हज के बिना वापिस भेज दें? बेटा बाप की मिन्नत कर रहा था। अब्बा जी, आप हमसे नाराज हैं, हमारी कोई बात आपको बुरी लगी है तो प्लीज मुझे माफ कर दें। कोई शिकवा शिकायत है तो बताएं, हम अपनी इसलाह कर लेंगे, लेकिन ऐसा मत करें। क्या खबर दोबारा आना नसीब हो या ना हो, आप प्लीज हमें वजह बताएं। आपने अचानक वापसी का फैसला क्यों कर लिया? आप प्लीज हमारे साथ ही हज करेंगे? उनकी बहू मिन्नतें कर रही थी। शायद बहू को ये फिक्र थी कि ससुर जी अगर हज किए बिना वापस चले गए तो वो पूरे खानदान को क्या मुंह दिखाएंगी। हज करके भले आप फौरन वापसी की सीट करवा लें और चले जाएं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। बहू अब बाकायदा उनकी मिन्नतें कर रही थी। बजाहर ससुर बहू के ताल्लुकात भी खुशगवार थे, फिर जाने क्यों, ससुर वापस जाने के लिए बजिद थे। दम पर पड़ी चाय से उठने वाली पत्ती की भीनी भीनी खुशबू मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही थी। मैंने कपों में लूना का कंडेंस्ड मिल्क डालकर ऊपर से खुशबूदार कहवा उंडेलते हुए सुसर के जवाब की तरफ कान लगाए हुए थे। नहीं बेटा, आप दिल बुरा मत करो, मैं कतन आपसे नाराज नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आप दोनों से। आप दोनों ने मेरी बड़ी खिदमत की, मेरा ख्याल रखा, मेरी बहुत दुआएं हैं बच्चे आप दोनों के लिए। मेरे वापस जाने की वजह आप लोग नहीं हो। ससुर बहू के आंसुओं के आगे अब नरम पड़ गए थे। फिर वजह बताएं अब्बा जी। आपके बेटा, अब्बा जी के आगे बजिद हो रहा था। मेरी नाश्ते की ट्रे तैयार हो चुकी थी और अब मैं अपने कमरे की जानिब जा रही थी। अब्बा जी के जवाब ने मेरी रूह को जैसे झंझोड़ कर रख दिया। वो कह रहे थे, मैं जवान था, मेरी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, मैं बहुत ज़ौको शौक से नात पढ़ा करता था, और नात का एक शेर था कि हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। जब मैं ये शेर पढ़ता तो दिल ही दिल में रो रो कर अल्लाह से दुआ करता कि ए अल्लाह, मैं जब भी मदीने जाऊं मुझे वही मौत आ जाए, और मैं मदीना जाऊं तो कभी वापस ना आ सकूं। मेरी मौत मदीने में आए और मेरा आखिरी ठिकाना मदीना मुनव्वरा हो। जवानी थी, आका अलैहि सलातो वस्सलाम से मोहब्बत भी जोश पर थी, लेकिन बच्चों अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, जिस्म के साथ साथ जज्बे भी कमजोर पड़ गए हैं। बेटा, मैं परदेश में मरना नहीं चाहता, मौत से भी डर लगता है। खुदा के लिए मुझे यहाँ से वापस अपने गांव ले जाओ, मैं अपने घर में मरना चाहता हूँ। ये लो, ये कहते हुए मुझे लगा कि इनकी आवाज डूबती कहीं दूर जा रही है, और मेरे कानों में बाबा बुल्ले शाह ने जैसे सरगोशी की, ईमान सलामत हर कोई मंगदा इश्क, और मेरे कानों में ये शेर गूंजा, ईमान सलामत हर कोई मंगदा इश्क सलामत कोई हो, क्या इश्क की सलामती की दुआ मांगनी भी इतनी ही जरूरी है जितनी ईमान की सलामती की दुआ मांगनी मेरे अंदर किसी ने सरगोशी की।